हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लवलेश कुमार और आप देख रहे हैं एल के बिजनेस आइडियाज़। और आज आपके लिए मैं एक लेके आया हूं बहुत छोटा सा यूनिक बिजनेस, और आपको इसी तरह की यूनिक बिजनेस आपको समय पर मिलते रहे। इसके लिए जो नीचे लाल बटन दिया हुआ है वीडियो के नीचे, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज हम बात कर रहे हैं छोटे से व्यवसाय के बारे में, जो आप चाहे तो अपने हाथों से बना के भी स्टार्ट कर सकते हैं, और यदि आपका अच्छा चल जाता है तो आप इसमें मशीनें भी लगा सकते हैं। तो मैं इसमें सारी डिटेल आपको देने वाला हूं कि मशीन कितने की आएगी, कहां से परचेस करनी है आपको, और हाथों से बनाना तो कैसे बनाना है, तो वो मैं सारा इस वीडियो में बता रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो, छोटा सा वीडियो, जरूर पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं पेंसिल बनाने का तरीका, वो भी रद्दी पेपर से और जो अखबार के कागज होते हैं उनसे। जी हाँ, ये बिल्कुल इको फ्रेंडली पेंसिल है और इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ती जा रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बाहर जैसे बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर पेड़ की कटाई बैन है, तो वहाँ के लिए लकड़ी की जो पेंसिल है वो इंडिया से एक्सपोर्ट होती हैं, और जो इको फ्रेंडली पेंसिल हैं इनका भी अच्छा मार्केट तैयार हो रहा है, क्योंकि इनके लिए कोई बैन का है नहीं है, ये कागज़ से बनाई जाती हैं। तो ये छोटी सी जो मशीन लगती है, इसमें जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, इससे आप कागज़ की पेंसिल बना सकते हैं। जो ब्लैक कलर की जो लीड आती है, जो पेंसिल की इनर लीड बोलते हैं, ये आपको इंडियन मार्केट के माने आप सर्च करेंगे तो काफ़ी सप्लायर आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से परचेज़ कर लें इनको। बल्क में आप परचेज़ कर सकते हैं, 2.0 की जो भी आप चाहें वो मोटाई की आप ले सकते हैं। और कागज़ जो होता है, पेपर होता है, रद्दी अखबार होता है, उसकी आप कटिंग करके एक साइज़ के अनुसार उसकी, जिससे आपकी पेंसिल की लंबाई की साइज़ के अनुसार उसकी कटिंग करके इस मशीन के द्वारा आपकी पेंसिल बना दी जाती हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता, सिर्फ ग्लू लगता है और आपका अखबार लगता है, और जो कार्बन की लीड होती है बस वो लगती है। इन सभी चीज़ों से आपकी एक से एक आकर्षक पेंसिल बन जाती हैं। और जो कागज़ जो आपका लिपटता है इस मशीन में, और यदि थोड़े से साइड वॉल रह जाते हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी मशीन है कटिंग मशीन, तो आप उस कटिंग मशीन को भी लगा सकते हैं। तो उस कटिंग मशीन से पेंसिलों की एक सी समान साइज़ में रख दिया जाता है, जिससे आप पैकिंग करेंगे, डब्बे में बेचेंगे, कहीं पर भी आप रखते हैं, तो एक ही साइज़ की, एक ही लेंथ की पेंसिलें आपकी माने मार्केट में बेच सकेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई ज़्यादा मशीन की जरूरत नहीं होती है। एक आपको पेंसिल बनाने के लिए मशीन लगती है, जो इस रद्दी जो पेपर होता है, अखबार होता है, वो आपकी जो काली वाली लीड होती है पेंसिल, उसके ऊपर लपेटता है। एक ग्लू की जरूरत होती है, कोई भी आप ग्लू यूज़ कर सकते हैं, मार्केट से आपके काफ़ी प्रकार के ग्लू अवेलेबल हैं, तो आपको जो भी सस्ता पड़े वो ग्लू आप इसमें यूज़ करें। साथ में इन पेंसिलों को बनाने के बाद, धूप में सुखाने के बाद, एक कटिंग मशीन लगती है जो पेंसिलों को बराबर एक ही लेंथ में, एक ही साइज में काट देती है। तो बस फ्रेंड्स, इतनी छोटी सी मशीन है, चाहो तो आप आगे जाके परचेस कर सकते हो। यदि अभी आप चाहें तो इनको हाथ से ही बना सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। बस बनाते समय ये ध्यान रखें, जब आप ग्लू लगा के पेपर को फोल्ड करें तो वो टाइट हाथों से करें, जिससे पेंसिल में आपके टाइटनेस हो, और जब वो शॉर्पनर से छिली जाए तो अच्छे फटाफट छिलती हुई चली जाती है। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा बिजनेस है, आप अपने गांव शहर से स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी सी मशीन है, इनको खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दे रखा है, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लें। और पेंसिल की जो कॉस्ट आती है, वो एक पेंसिल की कॉस्ट रहती है ₹1। जी हाँ, माने आपका रद्दी पेपर होता है और इनर लीड होती है, और साथ में जो आपका ग्लू वगैरह लगता है, वो सब कुछ ₹1 में कंप्लीट हो जाती है आपकी पेंसिल। और इसकी सेल प्राइस आती है इको फ्रेंडली होने के कारण, ये करीबन ₹2.50 तक आप सेल कर सकते हैं। और ऐसे ही जो पेन मेकिंग कॉस्ट आती है, जो आप पॉलीमर के पेन बनाते हैं, प्लास्टिक के पेन बनाते हैं, वो भी ₹1.50 के आसपास पड़ता है, और इसमें भी आपको ₹1.50 के आसपास ही पड़ेगा। लेकिन इको फ्रेंडली होने के कारण इसकी सेल काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी, आपको जल्दी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। और इस पेपर पर जो पेन रहेगा, उसकी सेलिंग प्राइस रहेगी लगभग ₹4.50 के आसपास रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यदि आप जो कैलकुलेशन करते हैं, अंदाजन यदि आप महीने का जो प्रोडक्शन करेंगे इन मशीनों से, या आप हाथ से बनाएंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, मशीन से बनाएंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्शन है और इसकी जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो स्पीड है, माने आप दिन में कितना बना लेते हैं, उस अनुसार यदि आप मोटा मोटा कैलकुलेशन करें तो 70-80 हज़ार रुपये से लेकर 1.25 लाख रुपये तक महीना आप आराम से घर बैठे कमा सकते हैं। और सेलिंग के लिए आपको कहीं नहीं आना, आपके गांव देहात में, आपके शहर में जो माने पेंसिल होलसेलर हैं, वहीं सेल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कोई ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, छोटा प्रोजेक्ट है, आप हाथ से बना के शुरू कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई इन्फो के साथ। यदि आपको इसी तरह की वीडियोज़ और समय पर मिलते रहे, इसके लिए जो नीचे लाल बटन दिया उसको क्लिक करें, सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।